आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नवेदा मदरसा जामिया अरबिया एनुअल इस्लाम का विवाद हुआ संपन्न। हाई कोर्ट के आदेशानुसार आज प्रशासन ने मुफ्ती जमील अहमद नजरी को मदरसे की चाबी प्रशासन द्वारा दिलाई गई और चाबी पाने के बाद लोगों में काफी उत्सव देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। रोल आदाब, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज 18। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवादा में, और नवादा में जो है ये मदरसा जो है काफ़ी विवादित कई सालों से चल रहा था, लेकिन आज इसका विवाद संपन्न हुआ है, जिसमें कि हाई कोर्ट की रूलिंग जो हुई है। हाई कोर्ट में विजयी प्राप्त जो है ये हुए हैं मुफ्ती नजीरी साहब के हक में ये मदरसा आया है। और अब बात करते हैं सीधा मुफ्ती नजीरी साहब से, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। सर, जैसा कि आपका क्या नाम है? जमील अहमद नजीरी, मुफ्ती जमील अहमद नजीरी। मुफ्ती जमील अहमद नजीरी साहब, जैसा कि ये मदरसा काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था इसका, लेकिन आज हाई कोर्ट की रूलिंग जो हुई है और आपके पक्ष में आया है, तो आप अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? जी, खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग, हमारे सब लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हक बहकदार रसीद जिसका हक था उसको मिला है। ये सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, इन सब लोगों ने मिल के मदरसा बनवाया है, सब लोगों ने मिल के मदरसा बनवाया है, तो सबकी ख्वाहिश थी। और जो गलत तरीके से कब्ज़ा हो रहा था उस पर दुखी थे, तो आज सबको खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन जैसे देखा जा रहा है तो यहाँ पे काफ़ी एक उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में, ये उत्साहवर्धन किस बात का है? इस बात का है कि जो गलत कब्ज़ा था वो ख़त्म हुआ, और जो सही लोगों के हाथ में मदरसा पहुँचना चाहिए था मदरसा पहुँच गया। तो जैसे कि इसमें अहम भूमिका किसकी रही? अब सभी लोग हैं, अभी अभी आज वाले कब्ज़े में तो गुड्डू हैं, रईस अहमद गुड्डू हैं, सलाउद्दीन भाई हैं, किधर चले गए, साजिद हैं, ये सब लोग हैं, और दूसरे लोग भी कोशिश करते रहे, अब्दुल्ला वगैरह हैं, सभी लोग कोशिश करते रहे हैं, सभी लोग कोशिश करते रहे, और कम ज़्यादा सबकी मेहनतें रही हैं, और सबकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, अल्लाह ताला ने सबकी तमन्नाएँ पूरी की। ये थे हमारे साथ मुफ्ती जमील अहमद नजीरी साहब, जो इस मदरसे के इंचार्ज हैं, मदरसा इन्हीं की देखरेख में चलता है। और आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज 18 के साथ संवाददाता सरफुद्दीन आजमी। देखरेख में जितने लोग हैं उन लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, और ये उत्साह हम किसके सिरे जाता है, आइए हम बात करते हैं। जैसा कि क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। अच्छा बताइए, ये मदरसा काफ़ी विवादित चल रहा था, लेकिन आज देखा जा रहा है तो इस मदरसे की चाबी आप लोगों के जिम्मे सौंप गए हैं, तो इसका श्रेय किसके जाता है? ये श्रेय जो है हमारे मुफ्ती जमील अहमद नजीरी साहब को जाता है। मुफ्ती जमील अहमद नजीरी साहब जी, इसके बारे में आम आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आम आवाम से यही कहना चाहेंगे कि इसका ताउन करें, और भरपूर जो है ताउन करें, ताउन करने के बाद इसको चलाएँ कायदे से। देखिए, साथ साथ हमारे यहाँ के जो सभासद हैं जिनका नाम है रईस उर्फ गुड्डू, और गुड्डू के नाम से ज़्यादा ये मशहूर हैं, रईस तो बहुत कम लोग जानते होंगे अगल बगल, लेकिन गुड्डू जो है ज़्यादा गुड्डू के नाम से मशहूर हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं गुड्डू से। तो ये जैसा कि गुड्डू भाई, आपका मेरे चैनल में स्वागत है सबसे पहले, और ये आज जो है मदरसे की जो चाबी मिली है जी, इसके लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की है? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आपके माध्यम से मुझको कहने का मौका मिल रहा है। एक्सपर्ट जो है हाई कोर्ट का आदेश था, SDM साहब को, SDM साहब जो है नायब तहसीलदार को आदेश किए, और यहाँ का थाना और नायब तहसीलदार साहब, SDM साहब, तो तमाम जो है जितने पुलिस विभाग में हैं सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो है बिल्कुल जो है हम लोगों का सहयोग किए, जो सत्य था जो सच था उसकी उसका सहयोग किए, और जो है हम लोगों को जो है उस आदेश के अनुसारन जो है हम लोगों को कब्जा दिलाया गया जी, और हमारे जो है तमाम जनता का बहुत सहयोग है, जो है जितने यहाँ के लोग हैं सब, तमाम जनता, बूढ़े जवान जितने जनता हैं सारे लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों को देता हूँ। जैसा कि हाई कोर्ट की जो अपील आपने, हाई कोर्ट की जो अपील की